गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी काफ़ी बढ़िया हूँ। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और आई होप कि आप लास्ट तक बने रहोगे। और पहले तो लाइक मत करना, आप अगर वीडियो देख लेना उसके बाद अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना और नहीं अच्छी लगी तो कमेंट में फीडबैक ज़रूर दे देना। सबसे पहली चीज़, लोटस टेम्पल बना कैसे था। तो लोटस टेम्पल को सन 1986 में बनवाया गया था। बनवाया किसने था, तो लोटस टेम्पल को एक कैनेडियन आर्टिस्ट फरीबुर्ज बुखरा ने बनवाया हुआ था। और उस टाइम इसे बनाने में करीब करीब 1986 में 10 मिलियन लगे थे। डिज़ाइन किया था कैनेडियन आर्टिस्ट ने, बस इसे जो बनाया गया है वो बनाया है इंडियन मज़दूरों ने। म्यूज़ियम में मैं गया था बट वहाँ पे फ़ोन कैमरा अलाउ था नहीं, तो आपको कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेट नहीं करवाया। और वन ऑफ़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अबाउट दिस टेम्पल, सबसे मेन चीज़ जो इस टेम्पल की है, यहाँ पर ना ही किसी धर्म की पूजा होती है, ना ही किसी जात की पूजा होती है, यहाँ पर सुख शांति के लिए होती है। आप अंदर जाओ, बिल्कुल सुख शांति, आराम से बैठो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोटस टेम्पल के अंदर जा सकते हो, बट हाँ, यहाँ पर आपको कोई भी किसी भी पाठ पूजा का यहाँ पे पहली चीज़ तो पूजन ही नहीं किया जाता है, बिकॉज़ इसे किसी धार्मिक प्लेस के नाम से नहीं बनाया गया था। लोटस टेम्पल में आने के बाद सभी चीज़ों का बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रखा जाता है। जैसे आपके शूज़ पहन के आप अंदर नहीं जा सकते, तो यहाँ पर आपको नॉर्मल सा झोला मिलेगा, उसमें आपको शूज़ डालने होते हैं। तो हमारे शूज़ तो भैया ले रखे हैं, वही लेके जाएंगे। टेम्पल में कुल तालाबों की संख्या 9 है, जो कि हमारे सामने मौजूद है। इस तालाबों में लोग आते हैं तो नॉर्मल सिक्के फेंक जाते हैं, जो कि काफ़ी सारे सिक्के मुझे दिखाई दे रहे हैं। और गाइस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, इसमें ये पूरा का पूरा संगमरमर से नहीं बना हुआ है। इस लोटस टेम्पल अंदर से सफ़ेद कॉन्क्रीट का बना हुआ है और ऊपर से लोटस टेम्पल के ऊपर जो इनकी पंखुड़ियाँ हैं वहाँ पर इसे सफ़ेद संगमरमर से ढाका गया है। बता दूँ कि इसकी ज़मीन, इसको बनाने के लिए 1953 में ख़रीदा गया था इसकी ज़मीन। और इसकी ज़मीन जो है, टोटल जो है लोटस टेम्पल की ज़मीन है 26.6 एकड़। और इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया था 21 अप्रैल सन 1980 ईस्वी में। इसका निर्माण कार्य कब शुरू हुआ था, 21 अप्रैल सन 1980 ईस्वी में, और करीब 6 वर्षों के लगातार निर्माण कार्य के बाद सन 1986 ईस्वी 24 दिसंबर सन 1986 ईस्वी को इसका निर्माण कार्य कंप्लीट हो गया था। लोटस टेम्पल की ज़मीन से ऊंचाई करीब 34.27 मीटर है। वैसे तो लोटस टेम्पल में काफ़ी सारे लोग आ सकते हैं, बट यहाँ पर लोटस टेम्पल में बैठने की जो व्यवस्था है वो टोटल 1300 लोगों की है, जो भी जितने भी लोग अंदर आ सकते हैं। लोटस टेम्पल के जो आर्किटेक्चर थे वो थे फरीजाबुर्ग साहिब। लोटस टेम्पल वन ऑफ द मोस्ट की, ये किसी भी धर्म का नहीं है, ये सारे धर्म का, यहाँ पर सारे धर्म के लोग आ सकते हैं। लोटस टेम्पल का जिस भी एरिया में बना हुआ है उसका टोटल व्यास 70 मीटर है। लोटस टेम्पल में गाइस वैसे तो 27 पंखुड़ियों का टोटल यूज किया गया है, जो टोटल और टोटल सिर्फ और सिर्फ कमल की पत्ती के आकार का है। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल। बाय बाय।